हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ द आईसर 2024। काफी सालों के बाद वीडियो आईसर के ऊपर हम बना रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है हमको आईसर एडमिशन प्रोसेस के अंदर। वी आर क्रिएटिंग द वीडियो सिंस 2019, जब आईसर को कोई जाना ही नहीं करता था, एंड आईसर के पहली बार हमने कंटेंट डालना शुरू किया एंड लोगों को पता चलने लगा अबाउट द आईसर की भैया ऐसे भी इंस्टीट्यूट हुआ करते हैं, वरना इसके बारे में कोई भी नामो नहीं हुआ करता था रिगार्डिंग द आईसर एडमिशन प्रोसेस। सो फाइनली बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी जाने के बाद में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पिछले कई सारे वीडियोस पे क्वेरी जा रही थी, पिछले साल की वीडियोस 2020 के, 2019 के, 2023 के, 2022 के, कि भैया हमका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें, कितना कट ऑफ जाएगा, इस बार का क्या कट ऑफ का प्रोसेस है। यार इतने साल जो एडमिशन हुआ करते थे उसके जो है 3 प्रोसेस हुआ करते थे। पहले एक होता था KVPY टेस्ट, ठीक है, पहले हुआ करता था, हालांकि उसको बंद कर दिया गया, KVPY नाम का कोई चीज ही नहीं होता। सेकंड होता था JEE एडवांस, आपके अगर JEE एडवांस में भी अच्छी रैंक आई है देन उस चैनल के थ्रू भी आप ले सकते हैं। एंड थर्ड हुआ करता था IAT टेस्ट, ठीक है, पहले ये लोग IAT को बहुत हल्के में ले रहे थे, इसलिए आईसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने जो है दोनों KVPY को तो गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया एंड नाउ JEE एडवांस को भी इन लोगों ने हटा दिया, बोले हम सिर्फ एक ही टेस्ट लेंगे, दिस इज कॉल्ड IAT टेस्ट। So, आप लोगों ने फाइनली IAT टेस्ट में एनरोल किया। हालांकि अगर IAT टेस्ट की अगर बात करें तो इस बार टोटल कैंडिडेट कितने एनरोल हुए हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइटों पर देखा होगा भैया 2 लाख कैंडिडेट्स आर एनरोल इन द IAT टेस्ट ना, बहुत सारे गूगल पे आपको दिखा रहा होगा, लेकिन यह सच नहीं है। अप्रोक्स 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा एकदम जेन्युइन डेटा नहीं है, अप्रोक्स 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स आर अप्लाई फॉर द IAT टेस्ट। हालांकि पिछले साल 2023 के अंदर 34,000 बच्चों ने अप्लाई किया था एंड 2022 के अंदर अप्रोक्स 23,000 बच्चों ने IAT आईसर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, या फिर जो भी एंट्रेंस के लिए बैठा करते थे। ये था यार कुछ मेजर डेटा। अब कुछ बच्चों का ये सवाल है रिगार्डिंग द कट ऑफ मार्क्स की भैया क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या सारा प्रोसेस है। हालांकि पहले कुछ सालों में जो एडमिशन हुआ करता था उसमें कुछ कुछ कॉलम्स बटे हुए थे रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि जो सीटें थी वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड थी, कुछ सीटें IAT के थ्रू भरी जा रही थी, कुछ सीटें JEE एडवांस के थ्रू थी, कुछ सीटें KVPY के थ्रू थी। तो इस बार है थोड़ा तो मेजर डिफरेंस इस कारण आएगा क्योंकि सारी की सारी सीटें जो है एक स्टेक में आ गई हैं, अब कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो गए हैं सारे के सारे, की टेस्ट तो IAT दिया है, रैंक भी वही है और मार्क्स भी वही है, ठीक है। पिछले साल तक अप्रोक्स ये माना जाता था कि अगर आपके IAT में अप्रोक्स 100 मार्क्स है देन आपको कोई ना कोई आईसर अलॉट हो जाएगा, लेकिन यार अब मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका जो रैंक बेसिस है उसके बेसिस पे आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि आपकी क्या क्या रैंक होनी चाहिए जिस बेसिस पे आप मान सकते हो अप्रोक्स के आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड यू हैव द रैंक ऑफ अप्रोक्स 5000 के अंडर है, या फिर 5000 के आसपास, आपका 5100 भी चलेगा, अगर है 5000 के आसपास देन यू हैव द लॉट ऑफ गुड चांसेस टू गेट द अलॉटमेंट इन द आईसर। उसके बाद में आता है हमारा OBC कैटेगरी, अप्रोक्स 2000 रैंक के आसपास जो है आईसर में अलॉट होने के आपके पूरे चांसेस हैं। SC कैटेगरी की यार अगर हम बात करें तो टोटल इसमें जो है बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं एंड इसमें जो कैटेगरी वाइज जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो जनरली मेजोरिटी रजिस्ट्रेशन जनरल वाले बच्चों का रहता है, उसके बाद में OBC वाले बच्चे होते हैं, SC ST और EWS, ठीक है। तो OBC वाले को आपका अप्रोक्स 2000 रैंक तक अलॉटमेंट आ सकता है। SC कैटेगरी में आप 700 से लेकर 750 तक आप मान सकते हैं, ST कैटेगरी में वही 400 रैंक के आसपास, और EWS कैटेगरी में भी वही 900 से लेके 1000 रैंक के आसपास आपकी अगर रैंक आईसर के अंदर बन रही है देन यू हैव द गुड चांसेस टू गेट द अलॉटमेंट इन द आईसर। स्पेशली नंबर वाइज अगर बात कर लें, आपके जो नंबर श्योर हो रहा होगा, आपने जो टेस्ट दिया है, आपके जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यार जो ST वाले बच्चे हैं उनके अगर आपने अगर 30 मार्क्स स्कोर कर लिया है, कोई फाड़ नहीं तोड़ा है बिल्कुल, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, 30 नंबर आप अगर ले आ रहे हैं देन यू हैव द गुड चांस टू गेट द अलॉटमेंट इन द आईसर। उसके बाद में अप्रोक्स SC वाले बच्चे भी वही 45 से लेके 50 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो उसमें भी आपके पूरे चांसेस है। EWS वाले, जनरल EWS वाले जो बच्चे हैं, अगर आपके 75 से लेके 80 मार्क्स तक आ रहे हैं देन यू हैव द गुड चांसेस
एंड वही जनरल वाले बच्चे 95-100 अगर आपके मार्क्स हैं देन यू विल गेट द अलॉटमेंट इन द आईसर एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन प्रोसेस। हालांकि इस बार जो है आईसर को जो आईसर भोपाल है वो इसके एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है। देन अगर आपको कुछ भी क्वारी है रिगार्डिंग द आईसर एडमिशन प्रोसेस तो आप आईसर भोपाल को जो है ईमेल कर सकते हो एंड आईसर भोपाल विल हेल्प यू टू गेट द बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। हालांकि यार एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी थी, बहुत सारे जो आजकल स्कूल वाले बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपको बोलते हैं भैया 200 रुपए दे दो हमको, 300 रुपए दे दो, मैं आपको ये सीट बना के दे दूंगा, वो बना के दे दूंगा। दिट्स वेरी नाइस, मतलब अच्छी बात है, ठीक है, आई एम नॉट आर्ग्यू डेट। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसे जैसे आप अगर ट्रस्ट करते हैं कि यार मैंने ये ले लिया, मैंने 500 रुपए दे दिए किसी को, मैंने 400 रुपए दे दिए, बहुत सारे लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप उनकी 400 रुपए की सर्विस ले लो, फिर आपको वो लोग कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका स्कॉलरशिप का डाउट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो यू नीड टू डिसाइड योर सेल्फ कि यार मेरे को आईसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, मेरे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, या फिर आईसर के अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। अगर आपको रिसर्च में जाना देन बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, IISc बेंगलोर हो गया, या फिर अदर जो इंस्टीट्यूट है, अदर IIITs है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है, वो प्रोवाइड द रेलिवेंट डिग्री अप्रोक्स एज नियर बिटवीन द BS MS कोर्स, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, किन में मेरा एडमिशन हो सकता है, एडमिशन होगा तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फीस, ट्यूशन फीस, प्लेसमेंट एंड पूरी कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे हमारे एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हो, वो कैन हेल्प यू। आपसे कोई 500-200-600 रुपए से हम नहीं मांगते हैं एंड ना ही आपसे हम पहले पैसे चार्ज करते हैं कि भैया आप हमारे गूगल फॉर्म भरो, हम आपको कॉल करेंगे, वन टाइम कॉल सपोर्ट देंगे आपका, हम सवाल को हैंडल करेंगे, आपको हम कॉल करके बताएंगे, ऐसा हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आप बेझिझक कॉल करिए, आपके सारी समस्याओं का हल किया जाता है, आपको कुछ भी इश्यू है, आपको लगता है कि यार हमारा नॉलेज अच्छा है, वी आर डूइंग द काउंसलिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years फ्रॉम द इंडस्ट्री, तब तक आईसर को कोई जाना ही नहीं करता था, जब हमने पहली बार आईसर के वीडियो बनाना शुरू किया लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि भाई आईसर जैसे भी कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, आईसर में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, आपको अगर अलॉटमेंट मिल भी गया तो क्या करना है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, भैया फीस बहुत ज्यादा है, लोन कहाँ से मिलेगा, कौन सा बैंक देगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वापिस कब चुकाना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लीकेबल है कि नहीं है, और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आपकी हेल्प कर सकती है इसके अंदर, आपका आईसर में एडमिशन हो ही नहीं सकता, देन आपके पास क्या ऑप्शन है भैया, नंबर बहुत कम है भैया, कोई इंस्टीट्यूट अलॉट ही नहीं हो रहा है, गर्ल्स स्टूडेंट है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कौन सा आईसर ले कौन सा आईसर नहीं ले, ये आपको 200 और 300 और प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपके सवाल सोल्व नहीं होंगे। आपके यार पेरेंट्स के भी बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरा बच्चा है कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, नो वरी, वी विल हेल्प यू टू सोल्व ऑल योर क्वारीज, ऑल योर डाउट, सो यू कैन चेक आउट ऑन योर हेल्पलाइन नंबर, ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, आप कंप्लीट रेजोल्यूशन अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको अगर अच्छा लगता है देन आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज में भी इनरोल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड एट 100 रुपीज, 100 रुपए, 200 रुपए और आप हमको कॉल करिए और यू लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला, सो प्लीज फॉरगेट दिस एंड जो भी ये सब करते हैं प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस।